दक्षिण भारत में द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, जहां मेडिटेशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए रोजाना हजारों लोग जमा होते हैं। इनकी प्रैक्टिस की फिलॉसफी का आधार है सब में खुशी और आनंद बांटना। देखिए, दो तरह के एटीट्यूड्स होते हैं। एक है अपने काम से आनंद पाने की इच्छा करना और दूसरा एटीट्यूड है आनंद में भर कर काम करना, यानी वो काम जो आप आनंद से करना चाहें। इस फिलॉसफी की जड़ें उस प्राचीन भारतीय मान्यता में हैं कि खाने में पवित्रता और मन की पवित्रता एक ही हैं। जैसा अन्न वैसा मन। देखिए, खाने से ही बनता है हमारा शरीर और ये हमारे मन पर भी असर डालता है। इसी सोच के साथ सेंटर की रसोई हर महीने 7 लाख से ज्यादा मील्स तैयार करती है। आश्रम में हर साल करीब 83 लाख मील्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन जल्दी ही अन्नपूर्णा रसोई को अपने रोजाना के खाने से 5 गुना ज्यादा की तैयारी करनी होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों पर है, जिसमें भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर की ये है मेगा किचन। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं पंचगिरी पहाड़ियां, जहां पर मौजूद है द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का स्थापित किया ये सेंटर 65 एकड़ में फैला है, यानी करीब 38 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर जगह में। पेड़ों और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बना मेडिटेशन सेंटर विशा लक्ष्मी मंडप यहाँ का सबसे अहम लैंडमार्क है। हर साल दुनिया भर से करीब 20 लाख श्रद्धालु सेंटर में मेडिटेशन, योग और हैप्पीनेस प्रोग्राम्स में भाग लेने आते हैं। मंत्र जप, यज्ञ, मेडिटेशन और भजनों के बीच श्रद्धालु विशा लक्ष्मी मंडप के पीछे मौजूद इस व्हाइट बिल्डिंग में भी जाते हैं। ये है अन्नपूर्णा, वो कम्युनिटी किचन जो रोज 20,000 मील सर्व करती है। हर महीने हम 7 लाख मील्स तैयार करते हैं और ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है। और आश्रम में जो कोई भी आता है उसे यहाँ सात्विक भोजन ही खिलाया जाता है, थोड़ा मेडिटेशन, ज्ञान, गान और ध्यान, इसके अलावा कुछ खाना। हमारा यही मोटो है इस आश्रम में। सेंटर हर तरह का खाना सात्विक परंपराओं के हिसाब से पकाता है, जैसा कि पवित्र हिंदू ग्रंथ भगवद गीता में बताया गया है। ये प्राचीन ग्रंथ लोगों के अंदर की क्वालिटीज को सात्विक यानी प्योर, तामसिक यानी इग्नोरेंट और राजसिक यानी पैशनेट में बांटता है। सात्विक डाइट के फॉलोअर्स मानते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियां और फल, दूध, मेवा, बीज और दूसरे अनाज जो हमारी शारीरिक और बौद्धिक बनावट पर सीधा असर डालते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। बुनियादी सोच है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ये बहुत जरूरी है कि हमारा खाना सात्विक हो, क्योंकि राजसिक भोजन आपके शरीर में रेस्टलेसनेस लाता है और तामसिक मतलब वो जो आपके शरीर में आलस और भारीपन लाए आपकी बॉडी और माइंड में। तो जब खाना सात्विक होता है तो आपका शरीर बहुत वाइब्रेंट और बहुत ज्यादा अलाइव फील करता है और साथ ही एनर्जेटिक भी। यही वो फिलॉसफी है जिस पर चलती है मेगा किचन। नौ बास्केटबॉल कोर्ट्स जितनी जगह में पूरी कैपेसिटी पर यहाँ 60,000 से ज्यादा लोग खाना खा सकते हैं। डाइनिंग हॉल के पीछे है रसोई जो बनी है 18,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह में। स्ट्रेटजी बहुत साफ रही है। किचन का जो 18,000 स्क्वायर फीट का एरिया है उसमें बैठा कर 1 लाख लोगों को खाना खिला सकते हैं।
जबकि डाइनिंग एरिया दो फ्लोर्स पर तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट है, तो इस स्पेस का इस्तेमाल होता है अलग अलग लोगों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन किचन में कुकिंग एक ही बार में होती है। अन्नपूर्णा रसोई में दिन सुबह जल्दी शुरू होता है, जिसके बाद ये जुट जाती है 24 घंटे में 30,000 लोगों के लिए 18 तरह की चीजें तैयार करने में। और इस जबरदस्त काम के लिए जरूरत होती है एक यूनिक किक स्टार्ट की। सुबह होते ही किचन स्टाफ डाइनिंग हॉल में जमा हो जाता है सुदर्शन क्रिया करने के लिए, जो एक तरह की साइक्लिकल कंट्रोल्ड ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, जिसकी जड़ें ट्रेडिशनल योग में है। किचन टीम के सभी सीनियर मेंबर्स सुबह की इस रस्म में मौजूद हैं। रमेश तजुर्बेकार हेड शेफ, अरूप किचन ऑपरेशंस के हेड, पूर्वी किचन अकाउंट्स और सिस्टम्स की हेड, और सूरज सर्विस ऑपरेशंस के हेड। सेशन ले रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के यूथ विंग के डायरेक्टर दिनेश घोटके। सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है। ब्रेथ के जरिए आप बॉडी को केंद्रित कर सकते हैं एक लेवल पर, और दूसरे लेवल्स द माइंड द इंटेलेक्ट द मेमोरी द ईगो द स्पिरिट, और इससे आप फील करते हैं वेरी हेल्दी, यू फील हैप्पी और लकी भी। सुबह के 6 बजे तक काम रफ्तार पकड़ लेता है। वर्कर्स अपने बूट्स कैप्स और एप्रंस पहन लेते हैं। आज का दिन बिजी रहने वाला है। दोनों गाड़ी साइड में लगा दे, अच्छे से लगा दे उधर, ये फोन क्या थोड़ा ऊपर से। अन्नपूर्णा रसोई पर निगरानी रखते हैं रमेश। लेके जाओ आराम से लेके जाओ। ये एक तजुर्बेकार हेड शेफ है जो 25 साल से भी ज्यादा इस सेंटर से जुड़े हैं। उस टाइम पे सिर्फ 150-200-500 लोगों का खाना बनाता था, अभी उस टाइम पे उसने छोटा से शुरू होके अभी लाखों लाख लोगों को खाना बनाता है। नाश्ते में रोज करीब 3 से 6 तरह की चीजें होती हैं, और मेन्यू हर रोज बदलता है। और आज नाश्ते में क्या है? आज नाश्ते में वर्मिसली उपमा है, और चटनी है, और सांभर है, डोसा है, और हर्बल टी है। इंटरनेशनल के ऐसे सेम आइटम बनाता है, बट उन लोगों के लिए स्पाइसी नहीं डालता, और अलग ब्रेड रहता है, बटर ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट, यह सब रहता है। स्टोव्स को लाइन में लगाया जाता है और इन पर बड़े बड़े पतीले चढ़ाए जाते हैं। इनमें से हर एक में 1,000 किलो से ज्यादा खाना बन सकता है। हर चीज बड़े पैमाने पर है। 100 लीटर घी, 1,000 किलो वर्मीसेली, और जुट जाते हैं 5 रसोइये इतना सारा नाश्ता तैयार करने में। ये वर्मीसेली उपमा बन रहा है, अभी ऑलरेडी इसका फ्राई हो गया, इसमें अभी पानी और थोड़ा सा सब्जी डाल देगा। इंडियन विजिटर्स के लिए इतनी सारी वर्मीसेली बनाने के अलावा किचन स्टाफ को इसका कम मसालेदार वर्जन भी बनाना है उन 10,000 विदेशी मेहमानों के लिए जो सेंटर में ठहरे हुए हैं। दूसरे कोने में डोसा बनाने की एक खास मशीन डोसे को तैयार कर रही है, 1 घंटे में करीब 800 से ज्यादा। इस बीच रमेश खुद मेन्यू में एक बहुत ही खास चीज तैयार करने में जुटते हैं, जो है उनकी खास पहचान। हर्बल टी का मसाला है, इसमें सिनेमम, पेपर, लवंग, जीरा जाएगा, तेज पत्ता जाएगा, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी। स्पेशल हर्बल टी ये लोगों को बहुत पसंद है। हर्बल टी बनाते तो हम लोगों का ये बचते नहीं है, पूरा काली हो जाते, दोबारा बनना पड़ता है हम लोग। चाय के लिए वो हर चीज बड़े ध्यान से चुनते हैं। वो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सत्व को मानने वालों की परंपराओं पर चीनी खरी नहीं उतरती। आधे घंटे के अंदर अन्नपूर्णा रसोई ने 30,000 मील्स तैयार कर लिए हैं, और अब समय है फिनिशिंग टचेस देने का। ये नारियल है और धनिया पत्ता है, ऊपर से उसको थोड़ा सा डेकोरेशन करता है वर्मिसली उपमा में।
लेकिन परफेक्शनिस्ट रमेश हमेशा की तरह फाइनल क्वालिटी चेक करने से पहले नाश्ता बाहर नहीं भेजेंगे। सुबह के 6:45 हुए हैं, सर्विंग स्टाफ पहुंच गया है, बर्तन ऊपर तक भरे जाते हैं। विदेशी मेहमानों के लिए कम स्पाइसी नाश्ता लिफ्ट से जाता है, जबकि बाकी का बड़ी बड़ी ट्रॉली से डाइनिंग फ्लोर पर पहुंचाया जाता है। किचन अकाउंट्स के इंचार्ज पूर्वी की निगरानी में खाना अलग अलग काउंटर्स पर लगाया जाता है। यहाँ से कमान वॉलंटियर्स संभालते हैं, इन्हें सेवक या धार्मिक सेवादार कहा जाता है। ग्लव्स, हेयर कैप्स और एप्रन्स पहनकर वो तैयार हैं भीड़ को संभालने के लिए। 8:00 इंडियन सेक्शन में 20,000 से ज्यादा लोग लंबी कतारों में तसल्ली से इंतजार कर रहे हैं। सेवा करके खुशी मिलती है और यही खुशी खाना लेने वालों तक अपने आप ही पहुंच जाती है। और मैं यहाँ अपनी साधना पूरी करके आता हूँ सुदर्शन क्रिया करने के बाद, इसलिए अल्टीमेट बेनिफिट बहुत ही ज्यादा होगा। बेंचेस पर बैठने की जगह भर गई है, बाहर खुले में भी जगह तेजी से भर रही है। लेकिन सिर्फ किचन स्टाफ ही सुबह जल्दी नहीं उठा, एक और सेक्शन भी सुबह 5:00 से उठकर काम में लगा हुआ है। नक्षत्रम उत्तरा शाढ़ा योगः अमृता योगः सिद्धयोगः सिद्धयोगः। ये हैं 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे जो सेंटर के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, यानी सेमिनरी। प्रार्थना, योग और कैंपस की सफाई के बाद ये तैयार हैं अपनी सुबह की खुराक के लिए। सुबह 7:00 अन्नपूर्णा रसोई का मिनी ट्रक उनके कैंपस में पहुंच गया है। खाना शुरू करने से पहले बच्चे हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता ब्रह्मा की प्रार्थना करते हैं। छोटे बच्चों के लिए उपमा और दूध खास तौर पर अलग से तैयार किया जाता है। सात्विक खाने से गुस्सा नहीं आता, अगर हम सात्विक खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम सेहत और सफाई पर ध्यान दे सकते हैं और साथ ही हम लोग पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अन्नपूर्णा रसोई में नाश्ते का काम पूरा होने पर सेवादार अपनी थालियां खुद धोते हैं। डाइनिंग हॉल के हर सेक्शन में बर्तन धोने की जगह अलग से बनी है। रसोई में खाना खाने के बाद हम डिशवॉश एरिया में अपने बर्तन धोने के लिए जाते हैं और ये सेवा का ही हिस्सा है। हम अपनी थाली धोकर वापस जगह पर रख देते हैं ताकि कोई और उसे यूज कर सके, इससे दूसरों पर भार नहीं पड़ता है। कोई काम छोटा नहीं है, यहाँ जीवन के हर पहलू में सेवा और आदर का भाव जगाया जाता है। सेवादार खाना बनाने के बर्तन भी साफ करते हैं, इससे लंच की तैयारी में लगे किचन स्टाफ की भी मदद हो जाती है। सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक मीटिंग चल रही है जिसमें प्रोक्योरमेंट, किचन ऑपरेशंस के हेड, सर्विस हेड्स और सपोर्ट स्टाफ मौजूद है। ये यहाँ महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं जिसे हिंदू बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ये आर्ट ऑफ लिविंग कैलेंडर के सबसे बड़े सालाना उत्सवों में से एक है। लेकिन जैसे ही वो हमें मिलता है तो उसके इंस्टॉलेशन इसकी कमान सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर टीवी वेंकटेश के हाथ में है। आई होप आप सब तैयार हैं, पर ध्यान रहे हर चीज बहुत हिसाब से होनी चाहिए और हर काम बिल्कुल बराबर हो। महाशिवरात्रि नजदीक आ रही है पर अन्नपूर्णा रसोई अपने काम में जुटी हुई है।
क्योंकि जल्दी ही 30,000 लोग लंच के लिए पहुंचने वाले हैं। और थोड़ा सा पानी डालना इधर, ये सब्जी सब्जी डालना इधर, दो आदमी मिलके डालो, एक एक बास्केट उठा के डाल दिया जरा तीनों में डाल। और मेन्यू में क्या है? एक पूरा वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल है, 10-10 सब्जी का बना, वो है सांबार, वो 150 किलो का तूर दाल का सांबार है, उसमें वेजिटेबल है 6 टन, और भी आइटम है, कर्ड राइस है, सलाद है। पूरे दिन में 9,000 किलो सब्जियां काटी जाती हैं, और ये यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में आती हैं रसोई के बगल में इस जगह से। करीब 2600 स्क्वायर फीट में फैला कटिंग एंड चॉपिंग सेक्शन दिन में हर वक्त सेवादारों से भरा रहता है। जैसे अर्जेंटीना से आए फ्रांसिस्को, जो 10 साल से ज्यादा सालों से इस सेंटर में आ रहे हैं। मैं जब अर्जेंटीना में आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में गया तो पता चला कि ये फाउंडेशन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। आई थिंक इट्स लाइक मोर ऑर लेस 5 लाख लोग अर्जेंटीना में आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं। सो जब मैंने ये टेक्निक सीखनी शुरू की एंड आई स्टार्टेड टू फील यू नो रिलीव, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेवादारों के साथ साथ चॉपिंग मशीन्स भी काम करती हैं ताकि रसोई में सब्जियों की कमी ना पड़े। अलग अलग वक्त के खाने के लिए दिन में 2 बार ताजी हरी सब्जियां आती हैं। हर बोरी तोली जाती है, कुछ को स्टोर्स में ले जाया जाता है और कुछ को कोल्ड स्टोरेज में, वहीं कुछ ताजी सब्जियां सीधे लाइव सेक्शन में जाती हैं। यहां पर हमारा अपना फार्म है जिसमें बहुत सी सब्जियां उगाई जाती हैं। एक्चुअली हमारा फार्म आश्रम को तकरीबन 30-50% सपोर्ट देता है, और कुछ मौकों पर जब आश्रम में लोग ज्यादा हो जाते हैं तब तो हमें सब्जियां बाहर के वेंडर से खरीदनी ही पड़ती हैं। मगर हमने ऐसे किसान आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो कि हमारी तरह से ही ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर अपनी जरूरतें खुद पूरी करे, इसमें सेंटर के अपने खेत और गौशालाएं मदद करती हैं। 2 एकड़ में फैली गौशाला में 350 से ज्यादा देसी गायें हैं, और ये रसोई के लिए कुछ अहम चीजें उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि छाछ और घी। इन गायों को ताजा और सूखा चारा, चने की भूसी और मिनरल सप्लीमेंट्स खिलाए जाते हैं। दूध जो है उनका 2 पार्ट बना दिया अभी, A1 मिल्क और A2 मिल्क। तो A1 मिल्क है जर्सी, ऐसे उनका है जो A1 मिल्क है, और देसी गाय जो जितनी भी इंडियन ब्रीड है उनका है A2 मिल्क। उसमें सारे A2 मिनरल्स होते हैं और इससे सारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ता है देसी गाय का। गौशाला कुदरती तरीके से सेंटर के खेतों से जुड़ी हुई है, जो खाने की करीब 30% जरूरतें पूरी करते हैं। ज्यादातर चीजें खेती के उन कुदरती तरीकों से उगाई जाती हैं, जिनकी जड़ें प्राचीन भारतीय तकनीकों में हैं। खेती का एक तरीका जिसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, इसकी जड़ें ऋग्वेद में भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कंपोस्ट बनाते हैं, यानी गोबर को स्टरलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ हम गोबर और गोमूत्र को मिलाकर माइक्रोब्स को अरबों गुना बढ़ाकर पौधों में खाद के तौर पर डालते हैं। तो जहाँ साल में 1 एकड़ जमीन के लिए 20 गायों का गोबर चाहिए होता था, यानी बहुत सारा गोबर, वहीं नेचुरल फार्मिंग में एक ही गाय का गोबर काफी है 20 एकड़ जमीन के लिए। सेंटर का फार्मिंग डिविजन पैदावार बढ़ाने के लिए कई नई तरह की तकनीकें अपनाता है। सेंटर से आए सब्जियों के छिलकों और कचरे से पर्मा कल्चर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से कंपोस्ट बनाई जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग कैंपस में एक आम दिन में जब इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती
तब हमें रसोई से कम 300 से 400 किलो ग्रीन वेस्ट मिलता है, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके। और जब शिवरात्रि जैसा बड़ा उत्सव हो तो ये वेस्ट 2 से 3 टन तक मिलता है। हम हर चीज़ का कॉम्पोस्ट बनाते हैं, हम इसे जलाते नहीं, बाहर नहीं फेंकते, कोई बदबू नहीं होती, सारा का सारा कॉम्पोस्ट बनकर खेतों के लिए तैयार हो जाता है। अन्नपूर्णा रसोई में प्रेशर बढ़ रहा है। अभी 5000 किलो चावल पकाने हैं, इसलिए स्टाफ को हाथ जल्दी चलाने होंगे। बहुत से बॉयलर्स काम में लगाए जाते हैं। ये तादाद कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 5000 किलो चावल से करीब 2,50,000 इडलीज बन सकती हैं। ये बस एक दिन का हिसाब है, साल का हिसाब लगाएं तो ये बैठती हैं करीब 9,12,50,000 इडलीज। पके चावल बाहर निकालकर इंडस्ट्रियल स्टाइल वाली ट्रॉली से फॉरेन पैकिंग एरिया में भेजे जाते हैं। रोटी मेकर को चालू किया जाता है। ये वो मशीन है जो बनाती है हम भारतीयों की पसंदीदा रोटी। इसमें गेहूं के आटे के साथ पानी डाला जाता है और तैयार होता है डो। और फिर एक घंटे में तैयार होती हैं 3000 रोटियां। शिवरात्रि के हफ्ते में सेंटर 5000 किलो तक आटा इस्तेमाल करेगा, यानी इतना कि 50,000 छोटे पिज्जा बन जाएं। या अगर आपको मीठा पसंद है तो इससे बन सकते हैं 1,80,000 डोनट्स। चूल्हों और बर्तनों की एक और कतार लग जाती है। सभी लोग काम में जुटे हैं क्योंकि वक्त तेजी से बढ़ रहा है। तादाद जबरदस्त होने के बावजूद रसोई सात्विक तौर तरीकों पर ही चलेगी। सत्वा एक्चुअली सब्जियों को चुनने से शुरू होता है। हर सब्जी में एक एनर्जी लेवल है, इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत अहम है सब्जियों के इस्तेमाल में। इससे तमाम सब्जियों का न्यूट्रिशन भी वेस्ट नहीं होता है। हम उनका रस निकालकर दाल, सांभर या रसम में डालते हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा ही ऐसा हो। एक इंस्पेक्शन टीम खाने के नमूने लेकर प्रेशर बढ़ा देती है। अन्नपूर्णा को हाल ही में मिला है ISO 22000 सर्टिफिकेट, जो है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का अंतर्राष्ट्रीय मानक। फूड प्रोसेसिंग वैल्यू चेन का मतलब ही है कि उसमें कोई भी वेरिएबिलिटी ना हो, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है अलग अलग स्टेज में। जैसे कुकिंग में टेम्परेचर बहुत जरूरी है, सब्जी को धोने का तरीका यानी सफाई के एक खास लेवल तक धोना, पेस्टिसाइड्स हटाना, ये बहुत ही अहम है और ये सब होना ही चाहिए। अन्नपूर्णा स्टाफ के लिए लंच का समय ज्यादा मेहनत मांगता है। अभी स्कूल के लिए फास्ट स्कूल के लिए दे दो। क्योंकि स्टाफ को न सिर्फ 30,000 भक्तों को खाना खिलाना है, बल्कि उन तमाम स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए भी खाना तैयार करना है जो सेंटर से जुड़े हैं। इस सबके बीच महाशिवरात्रि के त्योहार की भी तैयारी चल रही है, जो कि अब बस एक दिन दूर है। आज उन सबसे बड़े उत्सवों में से एक से ठीक पहले का दिन है, जो बेंगलुरु के पास आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में मनाए जाते हैं। उम्मीद है दुनिया भर से 1,00,000 लोग महाशिवरात्रि के विशाल उत्सव में शामिल होने सेंटर पहुंचेंगे, जहां त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को समर्पित ये उत्सव रात भर चलेगा। अन्नपूर्णा में रसोई के रोजमर्रा के कामकाज के साथ ही उत्सव की तैयारियां होती हैं। लंच टाइम हो चुका है और 30,000 भक्तों को खाना खिलाने की तैयारी करते हुए ही स्टाफ सेंटर से जुड़े 14 स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए भी खाना भेजेगा। आरूप किचन ऑपरेशंस के हेड हैं। भाई टीम लेकर आ जाओ। अच्छा दादा, अभी स्कूल के लिए फास्ट स्कूल के लिए दे दो। 10 मिनट में सारी चीजें भेजी जानी है। खाना कंटेनर्स में पैक करके ट्रॉली पर लादकर तेजी से रसोई के बराबर में बने कॉरिडोर में भेजा जाता है। बाहर हर सेंटर से आए मिनी ट्रक्स लाइनों में खड़े रहते हैं। हर टीम को एक काउंटर दिया जाता है। लादे जाने के बाद कंटेनर्स एक रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं और ट्रक्स अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। पहले जैसा कि पहले रजिस्टर होता है नाम,
1, 2, 3, 4 आयुर्वेदा हॉस्पिटल, आयुर्वेदा कॉलेज, स्कूल, ऐसे करके एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उसके बाद कूपन सिस्टम रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे बहुत स्मूथली चलता है। और कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो खाना लेट पहुंचा व खाना बनने के लिए लेट हो गया, ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं। अरूप के दावे को लगभग सही साबित करते हुए ट्रक एकदम सही समय पर स्कूल में पहुंचता है, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन चलाता है, जहां 2300 स्टूडेंट्स अपने मिड डे मील का इंतजार कर रहे हैं। प्रिंसिपल और टीचर्स की निगरानी में खाना बांटा जाता है और स्टूडेंट्स अपने पौष्टिक खाने का मजा लेते हैं। लंच का समय होने पर अन्नपूर्णा रसोई के बाहर फिर से लंबी लाइंस लग जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 4 काउंटर्स लगाए गए हैं, टॉप फ्लोर पर 9 और 3 बाहर। इंटरनेशनल सेक्शन पूरा भर गया है, पर लाइंस जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही हैं। धोने से पहले थालियों में बची चीजें अलग अलग की जाती हैं। बचा खाना एक डब्बे में और प्लास्टिक दूसरे में। बर्तन धुलने के बाद थालियां एक टोकरी में, चम्मच और कटोरियां दूसरी टोकरी में रखी जाती हैं, जहां से ये फिर इस्तेमाल की जाएंगी। दोपहर 2 बजे तक 30,000 लोगों को खाना खिलाया जा चुका होता है। यहाँ खाने का पैमाना ही जबरदस्त नहीं है, बल्कि जूठन भी बहुत ज्यादा निकलती है। सेंटर से रोजाना 400 किलो से ज्यादा जूठन निकलती है, जिससे सेंटर के उस बायो ऊर्जा प्लांट में बायोगैस बनाई जाती है, जो रसोई से सिर्फ 200 गज दूर है। बायो ऊर्जा प्लांट बेसिकली एक बायोगैस प्लांट ही है, और बायो ऊर्जा कुछ नहीं बल्कि मीथेन गैस है, और ये जो गैस है ये यहाँ बनाई जाती है किचन से आई जूठन से या फूड वेस्ट से। तो किचन से आने वाली जूठन को इन ट्रॉलीज में यहाँ लाया जाता है। ये यहाँ की पहली मशीन है, जिसे श्रेडर मशीन भी कहते हैं। यहाँ उसे पानी में डाइल्यूट किया जाता है, फिर उसे पंप करते हैं डाइजेस्टर यूनिट में, ये यहाँ, और गैस जो स्क्रब्ड होती है वो स्टोर होती है इस बलून में। खुले हुए बलून में जो गैस है उसे कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन वेसल में, और उसके बाद इसे स्टेनलेस स्टील पाइप से किचन में भेजा जाता है। इस बायोर्जा प्लांट की 1 टन गैस हमारे किचन में 5 सिलेंडर्स का काम करती है। यहाँ एक और चीज की गई है, जो है उस प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल, जो सिर्फ सेंटर का ही नहीं होता बल्कि आसपास के गांवों से भी आता है। कूड़ा घर में लाया गया कचरा अलग करके श्रेड किया जाता है, फिर श्रेड प्लास्टिक को विशाल प्लास्टिक टू फ्यूल कन्वर्जन प्लांट में डाला जाता है। प्लांट में एक बार में 200 किलो तक प्लास्टिक आ सकता है। इसके बाद पॉलीमर्स को हाई टेम्परेचर पर ब्रेक किया जाता है, जिससे मिलता है ऑयल, गैस और कार्बन रेसिड्यू। प्लांट से जो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है हम उसे यूज करते हैं बॉयलर में। ये डीजल से चलने वाले बॉयलर में यूज होता है, तो ये अल्टरनेटिव है डीजल का। दूसरा बाय प्रोडक्ट है कोक, जो हम यूज कर सकते हैं रोड्स बनाने में। महाशिवरात्रि उत्सव पास आने पर रसोई अपने रोजाना के मेन्यू से अलग जाते हुए उस प्रसादम के लिए 2 बहुत खास चीजें बनाएगी, जो भगवान को भोग लगाने के बाद रात भर चलने वाले उत्सव में शामिल होने वाले करीब 1,00,000 लोगों को बांटा जाएगा। प्रसाद का मतलब है हम आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं जो आपका उत्साह बढ़ा देगा। प्रसन्ना मतलब कुछ ऐसा जो प्लीजिंग है, ऐसा जो कि प्लेजेंट है। अपने अंदर उत्साह जगाने के लिए आप गिफ्ट लेते हैं ईश्वर से, वही तो है प्रसाद। महाशिवरात्रि के लिए तैयार किया जा रहा भोग एक मिठाई है, जिसका नाम है पाइनएप्पल हलवा, जो पाइनएप्पल्स और सूजी से बनता है। साथ में है उसली,
एक दक्षिण भारतीय पकवान जो काले चने से बनता है। इस बार हमने सोचा कि उसली, कन्नड़ में हम उसे उसली कहते हैं, जिसे बनाया जाता है काले चने से, चना दाल। इसलिए हमने उसे खरीद कर रखा है 2.5 टन्स। और हम बना रहे हैं एक मिठाई जो है सूजी पाइनएप्पल हलवा, तो उसके लिए हमने खरीदी है तकरीबन 1.5 टन सूजी और साथ में सैकड़ों पाइनएप्पल, और दोनों को मिलाकर बनाते हैं सूजी हलवा जो बढ़िया होता है। प्रसादम डाइनिंग हॉल में नहीं बल्कि पूरे सेंटर में 40 जगहों पर बांटा जाएगा, जो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बहुत मेहनत वाला काम है। इसीलिए किचन टीम रिव्यू मीटिंग के लिए जमा हुई है। 7:30 से हम लोग का काउंटर तो में सेटअप चाहिए ही चाहिए। टोटल क्वांटिटी कितना है? 6:30 बजे तक हम लोग 75% बाहर सेंटर के मैदान में महाशिवरात्रि से जुड़े पूजा अनुष्ठान शुरू होते हैं, और इधर अन्नपूर्णा रसोई में स्टाफ आगे की लंबी रात की तैयारी करता है। महाशिवरात्रि की शाम है। हिंदू धर्म के त्रिदेवों में तीसरे देव भगवान शिव को समर्पित हिंदू त्योहार महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। माना जाता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में दुनिया भर से करीब 1,00,000 लोग रात भर चलने वाली पूजा और ध्यान में भाग लेने पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि सबसे बड़े उत्सवों त्योहारों में से एक है, जिसमें कि प्राचीन वेद मंत्रों का जाप होता है। नमः शिवाय, ये वो मंत्र है जो हम बोलते हैं, जो दिव्यता मौजूद है कुदरत के 5 तत्वों में, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु में, उसी दिव्यता को पूजते हुए, उसका साक्षात्कार करते हुए हम इसी के अंश हैं। तो इसके साथ जुड़ी आस्था और विश्वास ही है कि उस दिन, शिवरात्रि वाले दिन, आप ध्यान करें बैठें या फिर आप ईश्वर से कोई वरदान मांगते हैं तो वो पूरा होता है। रसोई में स्टाफ आने वाली जबरदस्त भीड़ के लिए प्रसादम बनाने में जुटता है। सैकड़ों पाइनएप्पल्स को छीलने और काटने के लिए बड़ी तादाद में सेवादार आए हैं। प्रसादम की 2 चीजें बनाने के लिए चूल्हे और बर्तन तैयार कर लिए गए हैं। बड़े बड़े पतीलों में 800 लीटर घी डाला जाता है। पाइनएप्पल हलवा बनाने के लिए कुछ ही घंटों में 1500 किलो सूजी इस्तेमाल की जाएगी। ये आज का मेनू है शाम का प्रसाद का, पाइनएप्पल केसरी बात और चना का उसली है। कम से कम 130,000 से 140,000 लोग खा सकते। 2 घंटे में ये सब रेडी हो जाएगा। किचन से 6 बजे से शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा लेके जाने के लिए। एक लॉट भेज देगा, फिर दूसरा लॉट के लिए आउट तैयारी रखेंगे। तो अपना पास स्टॉक में रखता है ना वो लोग, हम लोग इमीडिएट आधा 1 घंटे में बना के दे देते हैं। फोन आ गए तो हम लोग इधर रेडी रखते हैं। इसके बाद अन्नपूर्णा का स्टाफ 2500 किलो काले चने पकाएगा। शाम के 5 बजे हैं और प्रसादम की दोनों चीजें तैयार हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। सेंटर के गेट्स पर भीड़ बढ़ने लगी है।
लोग सेंट्रल एम्फीथिएटर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है गुरु पादुकनम। रसोई में टीम तैयारियों का आखिरी जायजा लेने पहुंची है। गलतियों की गुंजाइश नहीं है। वेन्यू से मैसेजेस लेते रहना और फौरन काम शुरू कर देना, जिससे तैयारी करने में ज्यादा वक्त ना लगे, सब जल्दी हो जाए। अगर ऐसा हम करेंगे तो वेस्ट भी कंट्रोल होगा। वॉकी टॉकीज दिए जाते हैं। यहाँ से कंट्रोल रूम उन करीब 40 काउंटर्स पर नजर रखेगा जो पूरे सेंटर में लगाए गए हैं। प्रसादम कंटेनर्स में भरकर कॉरिडोर में पहुंचाया जाता है, जहां से इसे ट्रक में रखा जाता है। सूरज 25 काउंटर रेडी हो गया, लोग 50,000 क्रॉस हो गया, अभी 25,000 आ रहे, वेंकटेश जी का मैसेज आ गया, और 10 काउंटर रेडी कर लो। शाम हो जाने पर पूरा एम्फीथिएटर भक्तों से खचाखच भर जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पूजा शुरू करते हैं। इस रस्म में वो भगवान शिव को जल, दूध और शहद से स्नान कराएंगे और पूरी रात ध्यान करेंगे। इस आश्रम में आनंद की अनुभूति होती है। This is heaven, spiritual heaven for me. मैं पहली बार इंडिया आई हूँ। लगता है जैसे यही मेरा घर है। से भरपूर माहौल के बीच भीड़ काउंटर्स की तरफ बढ़ती है, उस प्रसादम से अपना उपवास तोड़ने जो बना है अन्नपूर्णा रसोई में। ये है नतीजा किचन स्टाफ की महीनों की मेहनत का, जिसने 1,00,000 भक्तों को खाना खिलाया है बिना किसी बाधा परेशानी के। चारों तरफ उत्सव के माहौल के बीच अन्नपूर्णा रसोई में भी एक जीत का, खुशी का एहसास है, लेकिन स्टाफ के लिए आराम कहाँ, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में अगला दिन बस शुरू होने ही वाला है।